गाइस ब्रिटेन के राज परिवार का जब भी कभी जिक्र होता है तो कोहिनूर हीरा का नाम सामने जरूर आता है। जब से ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हुई है तब से यह बात तो और भी ज्यादा चर्चे में है। क्या सच में कोहिनूर हीरा इंडिया वापस आ सकता है और वो आखिरकार ब्रिटेन पहुंचा कैसे, चलिए आज पूरी जानकारी को जानते हैं वीडियो में। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माना जाता है कि यह कोहिनूर हीरा 800 साल पहले आंध्र प्रदेश के खातिया वंश के राजा को खुदाई में मिला था। फिर यह खिलजी वंश, लोधी वंश और मुगल वंश के हाथों में स्थानांतरित होता गया। बाद में इस हीरे को साल 1850 में लंदन भेज दिया गया। कहा जाता है कि यह हीरा जिस भी मर्द के हाथ में होती है उसका विनाश होता है, इसलिए इसे लंदन की महारानियों के हाथों में हमेशा सौंपा जाता है। बाद कोहिनूर हीरा को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सिर पर सजा दिया गया। कोहिनूर का सबसे लंबा सफर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के साथ ही रहा। कोहिनूर हीरा को भारत में वापस लाने के लिए सरकार ने अभी तक कोई बात नहीं छेड़ी है, फिर भी विवाद तो बढ़ ही रहा है। तो क्या लगता है कोहिनूर हीरा वापस इंडिया में आना चाहिए, कॉमेंट में हमें जरूर बताए।